हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं BSc सेकेंड सेमेस्टर का बॉटनी का वीडियो है। ये बॉटनी का फर्स्ट यूनिट करवा रहे हैं हम, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट चल रहा है, फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट ऑलरेडी आ गया है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। आज हम जो करवाएंगे वो हम सेकेंड पार्ट है इसका, ठीक है। जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था बेसिकली वो आर्चिगोनिएट्स के बारे में था, आर्चिगोनिएट्स क्या होते हैं उनका इंट्रोडक्शन था, तो वो पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। आप चैनल पे जाके उसको चेक कर लीजिएगा, उसको पढ़ के ही इधर ये वाला वीडियो देखिएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप वहाँ पे अगर वो पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपका पूरा का पूरा बॉटनी, ठीक है। मतलब पूरे आपके 8 यूनिट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे अगर आप वो पढ़ लेंगे तो, है ना। तो पहले वो जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे कोई पार्ट पढ़ो ना पढ़ो, आप फर्स्ट पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स का भी वहां पर इंट्रोडक्शन भी हो गया था, ब्रायोफाइट्स का और आर्चिगोनिएट्स का, है ना। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बेसिकली इसको हम तीन क्लासों में, या हम बोल सकते हैं इसको डिवीजन, क्लास या डिवीजन, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो तीन क्लास में या तीन डिवीजन में इसको सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। और ये जो नोट्स हैं आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, है ना, तो टेंशन मत लेना, बाइलिंगुअल है। ये वाला ही स्लाइड सिर्फ पूरा इंग्लिश में है, वरना हिंदी का अलग से दे रखा है, इंग्लिश का अलग दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है मैंने, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये तीन इसके क्लासेस हैं, ये तीन इसके डिवीजन्स हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हेपेटिक ऑप्सिडा या फिर लिवरवॉर्ट्स, सेकंड होता है एंथोसेरोटोप्सिडा जिसको हम हॉर्नवॉर्ट्स बोलते हैं, और थर्ड होता है ब्रायोप्सिडा जिसको हम मॉसिस बोलते हैं, ठीक। इन सब के अलग से ऑर्डर भी होते हैं। अब देखिए ऑर्डर अगर आपको याद करने, आपको ज़्यादा ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारे ही याद करेंगे, बस आपको याद करने की किस किस को ज़रूरत है। देखो एक ये याद कर लीजिएगा, मर्चेंटियल्स और एक जंगरमैनियल्स, ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिएगा हेपेटोकॉप्सिडा के, ये दोनों ऑर्डर याद कर लीजिएगा। एंथोसेरोटोप्सिडा का एक ही है एंथोसेरोटेल्स, तो इसका तो एक ही है और ये याद भी करना है। और जो ब्रायोप्सिडा है इसका आपको एक बहुत अच्छे से याद करना है, स्फेग्नेल्स वाला, है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में जो प्लांट दिए गए हैं जिनके बारे में आपको डिस्कस करना है वो रिशिया है, मर्चेंशिया है, पेलिया है, एंथोसेरोस है और स्फेग्नम है, है ना। बेसिकली ये पांच प्लांट हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो आप इनसे रिलेटेड जो ऑर्डर हैं आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा कि हेपेटोक, ये जो मर्चेंशियल्स और जंगरमैलियंस हैं ये दोनों के दोनों हेपेटिक ऑप्सिडा के हैं, एंथोसेरोटेल्स तो एंथोसेरोप्टोप्सिडा का ही होगा, ये याद करने की इतनी ज़रूरत है ही नहीं, स्फेग्नेल जो है ये ब्रायोप्सिडा का होगा, इतनी चीज़ याद कर लीजिएगा। बाकी आपको याद क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। आपको याद रखना है जो हेपेटिक ऑप्सिडा है इसके चार ऑर्डर हैं, जो एंथोसेरोटोप्सिडा है इसका केवल एक ही ऑर्डर है, और जो ब्रायोप्सिडा है इसके पांच ऑर्डर है, है ना, ये आपको दिख रहे हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके पांच हैं ऑर्डर, है ना, आप ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये नंबर से भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम MCQ होने वाले हैं। बाकी आपको याद क्या रखना है, जैसे रिशिया मर्चेंशिया जो है ये दोनों ही, मर्चेंशिया तो याद रहेगा मर्चेंटियल्स के अंदर ही होगा, पर रिशिया और मर्चेंटिया दोनों मर्चेंशिया ऑर्डर के अंदर है, और मर्चेंटियस ऑर्डर जो है वो हेपेटिक ऑप्सिडा का, आपको ऐसे याद रखना है। पेलिया जो है वो जंगरमैनियल्स के अंदर है, जंगरमैनियल हेपेटिक ऑप्सिडा क्लास के अंदर है ना, ऐसे करके याद रखना है। एंथोसेरोस एंथोसेरोटेल्स का है, और एंथोसेरोटेल्स जो है वो एंथोसेरोटोप्सिडा क्लास के अंदर ऑर्डर है, है ना, ऐसे करके आपको याद रखना है। स्फेग्नम जो है ये स्फेग्नेल्स जो है ये इसका ऑर्डर है, और ब्रायोप्सिडा जो है ये इसका क्लास है ना, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। सारे आप याद रख नहीं भी रखना चाहो, जैसे इसके ये चारों छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, बस नंबर याद रख लेना कि पांच है इसके ऑर्डर, है ना। यहाँ पे भी चारों का चार नंबर याद रख लो, पर याद दोनों नाम से कौन कौन से रखने, मर्चेंटियल्स और जंगरमैनियल्स, है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखो यही पढ़ेंगे, मैं आपको पिछला स्लाइड करके दिखा देती हूँ, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसके बारे में, और बेसिकली रिशिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, हेपेटिक ऑप्सिडा और रिशिया, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बाकी के जितने भी प्लांट रह जाएंगे उनको और दो दिन में फिनिश कर लेंगे, एक दिन में मर्चेंशिया और पेलिया हो जाएगा, एक दिन में एंथोसेरोस और स्फेग्नम हो जाएगा, तो आपका पूरा फर्स्ट यूनिट जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज ऐसे समझ लो बेसिकली आपका आधा यूनिट फिनिश हो जाएगा आज ही,
है ना। तो आज हम ये पढ़ेंगे बेसिकली हेपेटिक ऑप्सिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और रिशिया प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि रिशिया प्लांट जो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे इसके एमसीक्यूज भी, तो ऐसे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि एमसीक्यूज हम नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी करेंगे इसके बाद में। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हेपेटिक ऑप्सिडा जो है इसको हम लिवर वॉर्ट्स भी बोलते हैं, और हेपेटिक ऑप्सिडा जो है ये जो प्लांट होता है वो या तो थैलोइड या तो फोलियोस फॉर्म में होगा। थैलोइड किसको बोल रहे हैं, ऐसे थैलस की तरह। फोलियोस किसको बोलते हैं, जिसमें थोड़ी लीव्स वीव्स भी है, इसको बोलते हैं फोलियोस, है ना। तो ये दो तरह से हमें प्लांट मिलेगा। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे फोलियोस फॉर्म में क्या होगा और थैलोइड फॉर्म में क्या होगा, है ना। तो जो फोलियोस फॉर्म होती है, ये सेकेंड वाली जो फॉर्म होती है, इसके अंदर लीव्स होंगी, जैसे मैंने बताया फोलियोस जो है उसमें छोटे छोटे से लीव्स होंगे। तो फोलियोस फॉर्म में जो लीव्स होती है ना, उनमें मिडरिब नहीं होती है ना। जैसे मिडरिब क्या होता है, मिडरिब ये होती है, ये डिफरेंट कलर से आपको बताती हूँ। ग्रीन कलर से जो है वो मिडरिब है, मिडरिब ऐसे होती है ना पत्ती के बीच में। तो ये जो मिडरिब है ये इनमें होती ही नहीं है, है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मिडरिब नहीं होती है, और ये डॉर्सी वेंट्रल होते हैं लीव्स। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा थैलोइड फॉर्म है, तो थैलोइड फॉर्म जो होती है ये भी डॉर्सी वेंट्रल ही होती है, इसी की तरह ही सेम, ठीक है। लोब्ड होती है ये, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं है तो इधर मैंने सारे के सारे यही चीजें हिंदी में भी दे दी है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे यही जो थैलस वाली फॉर्म होती है, तो थैलस के जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना। तो थैलस के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होंगे, पर क्लोरोप्लास्ट में पाइरेनोइड्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें पाइरेनोइड्स नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो होंगे पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाइरेनोइड नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम राइजोइड की बात करें, राइजोइड क्या होता है, जैसे अगर ये ब्रायोफाइट प्लांट है, तो प्लांट के नीचे ऐसे जो जड़ों की तरह होते हैं ना, जो बेसिकली प्लांट को जमीन से चिपकाए रख रहे हैं, उनको हम राइजोइड बोलते हैं। तो ये जो राइजोइड है ये यूनिसेल्यूलर होंगे, यानी कि एक कोशिका होगी इनके अंदर, और ये ब्रांच्ड होंगे और एसेप्टेट होंगे, ठीक। जो सेक्स ऑर्गन है यहां पर वो कहां पर बनते हैं, तो ये गैमेटोफाइटिक टिश्यू जो होता है वहां पर डॉर्सली एम्बेडेड रहते हैं, यानी कि गढ़े हुए रहते हैं उनमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो स्पोरोफाइट है वो रिशिया के अंदर बना हुआ होता है, केवल और केवल कैप्सूल का। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि रिशिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल का ही बना हुआ होता है स्पोरोफाइट, जबकि जो मर्चेंसिया है उसके अंदर फुट, सेटा और कैप्सूल तीनों चीजें होती हैं। अब इसी से ही आपको समझ आ रहा होगा, जो रिशिया है ना वो सबसे पहला प्लांट है ब्रायोफाइट का, है ना। तो रिशिया जो है ना वो सबसे ज्यादा सिंपल प्लांट होगा, देखो इसमें कुछ है ही नहीं, केवल और केवल एक कैप्सूल का बना हुआ है, जबकि मर्चेंसिया थोड़ा सा डेवलप्ड प्लांट है। तो ये रूट, सेटा और कैप्सूल तीनों चीजें इसके अंदर होती हैं। इसके बाद में कैप्सूल के अंदर जो कॉल्यूमेला होता है वो नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं वो एंडोथीसियम से ही बनते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा ये हेपेटिक ऑप्सिडा का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में हम एक और स्लाइड और पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद रिशिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम करेंगे अपने एमसीक्यूज, ठीक है। अब यहां पर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि जो हेपेटिक ऑप्सिडा है उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो यहां पर दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, है ना। सेक्सुअल और असेक्सुअल का मतलब बेसिकली क्या होता है, असेक्सुअल जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है, है ना। ये है अलैंगिक जनन, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, हाँ ये रहा अलैंगिक जनन, और ये है यौन प्रजनन, या हम बोल सकते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन से और गैमी, दो चीजों से होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन तो आप लोग समझते ही होंगे, टूट के गिर जाता है, जैसे ये है हमारा प्लांट, ये यहां से टूट के गिर गया, तो ये दूसरा टूटा हुआ पार्ट दोबारा से प्लांट बन जाएगा, ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन। एक होते हैं गैमी, गैमी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है हेपेटिक ऑप्सिडा का, कि यहां पर गैमी का फॉर्मेशन होता है ना। तो गैमी बनेंगे यहां पर, और कहां पर बनते हैं गैमी, गैमा कप के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पर गैमी बनते हैं हेपेटिक ऑप्सिडा के अंदर, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम आर्चिगोनियम बोलते हैं, और जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, ना। एंथ्रीडियम मेल है तो इसके अंदर स्पर्म बनेंगे, और आर्चिगोनियम फीमेल है तो इसके अंदर एग बनेंगे, ठीक है। जैसे जब भी रिप्रोडक्शन होता है, और जैसे ही जो स्पर्म है वो एग से जाके टकराता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने पर एक जायगोट बन जाएगा, और ये जायगोट जो है यही ही बनाता है डिप्लोइड स्पोरोफाइट, है ना। बेसिकली मतलब क्या हुआ, एक स्पर्म आया कहां पर, एग के पास, जो कि आर्चिगोनियम के अंदर है। ये दोनों जैसे ही आएंगे तो इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बनेगा जाइगोट, और ये जो जाइगोट है यही ही डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में,
यही ही बना लेगा स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट है ये याद रखना है डिप्लॉइड होता है, चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो जिस जैसे मैंने अभी बनाया, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है ना। तो ये डिप्लॉइड होता है। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसकी हो जाएगी मियोसिस, है ना, और मियोसिस होने के बाद में ये बनाएगा स्पोर, और जो स्पोर होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लोइड होंगे। ये आपको याद रखनी है सारी चीजें कि कौन सा हैप्लोइड है कौन सा डिप्लोइड है, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, है ना। स्पोरोफाइट डिप्लोइड है और जो स्पोर है वो हैप्लोइड है, तो आपको ये याद रखना है। ये बन जाएगा हैप्लोइड। इसके बाद में ये जो स्पोर है यही ही बना लेते हैं गैमिटोफाइट, और गैमिटोफाइट भी क्या होता है, हैप्लोइड ही होता है ना। तो हैप्लोइड गैमिटोफाइट बन गया। इसके बाद में यही ही ये जो गैमेटोफाइट बना है यही ही फिर आगे जाके दोबारा से रिप्रोडक्शन करने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है इनका बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप चाहें तो इस फॉर्म में लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ेंगे अभी रिशिया जो है उसका इंट्रोडक्शन। तो ये आ गया है रिशिया का इंट्रोडक्शन, और ये जो रिशिया प्लांट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहां पर मैंने इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपको, अगर जो भी चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई है वो अगर आपने पढ़ी है तो आप आराम से कर दोगे। देखो डिवीजन तो ब्रायोफाइटा है ही इसका, ब्रायोफाइटा के अंदर क्लास हेपेटिकोप्सिडा, तो हम अभी हेपेटिकोप्सिडा का पहला प्लांट ही पढ़ रहे हैं ना। ऑर्डर आपने पढ़ा था मर्चेंटियल्स के अंदर थे रिशिया और दूसरा मर्चेंटिया, ठीक है। तो ये दोनों प्लांट इसके अंदर ही थे मर्चेंटियल्स के अंदर। फैमिली इसकी रिशियेसी है और जीनस रिशिया है ही, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ये भी याद करने में, अगर आपने अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं वो अगर आपने ध्यान से सुनी है तो। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे यही ही है रिशिया हमारा, है ना। इसको देख लेना एक बार ध्यान से, ये स्पोरोफाइट है सारे के सारे, ये जो दिख रहे हैं ये राइजोइड, जैसे मैं बता रही थी आप लोगों को कि जमीन से इनको अटैच होने के लिए राइजोइड्स की जरूरत पड़ती है। ये लोब है इनका और ये वेंट्रल स्केल्स हैं जो छोटे छोटे निकले हुए होते हैं, और ये एपिकल नोच है ना, ये नीचे की तरफ जो बढ़ रही है एपिकल नोच होती है, ऐसी सारे किसी के अंदर है ये भी एपिकल नोच है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके रिशिया के। अब जो रिशिया है ये नाम जो है ये आया कहां से है, तो एक साइंटिस्ट थे पी एफ ऋषि जिनका नाम था, है ना, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इन्हीं के ही नाम पर रख दिया गया प्लांट का नाम रिशिया, है ना। ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है कि सबसे ज्यादा सिंपल स्पोरोफाइट यही ही है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला भी यही ही है, इसीलिए सबसे ज्यादा सिंपल भी यही ही होगा। जितनी भी स्पीशीज है इसकी वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, और टेरेस्ट्रियल होती हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, जमीन पर उगेंगी, है ना। लेकिन जमीन कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए और शेडी प्लेसेस होनी चाहिए। मॉइस्ट का मतलब जहां पे थोड़ा बहुत पानी हो। पानी क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि जितने भी आर्चिगोनियट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है पानी। किसके लिए चाहिए होता है, ताकि स्पर्म एग की तरफ जब जाएगा तो वो तैर के जाएगा, ठीक है, स्विम करके जाएगा, तो स्विम करने के लिए पानी चाहिए ना, इसलिए यहां पर ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस चाहिए बस इसको ग्रो होने के लिए, ठीक है। मतलब टेरेस्ट्रियल तो है, जमीन पर तो उगेगा, लेकिन इसको पानी भी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर दो जो स्पीशीज हैं वो एक्सेप्शंस हैं, जैसे जो रिशिया फ्लूटियंस है, ये ऐसी चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी होती हैं क्योंकि ये आती हैं एग्जाम में एमसीक्यूज के फॉर्म में, है ना। तो जो फ्लूटियंस वाली स्पीशीज है ये एक्वेटिक स्पीशीज है, यानी ये पानी के अंदर होगी। अभी हमने पढ़ा था सारी की सारी टेरेस्ट्रियल होती है, पर ये एक्सेप्शन है दोनों की, जो फ्लूटियंस है वो पानी के अंदर होती है यानी एक्वेटिक स्पीशीज है, और जो रिशियोकार्पस नोटन्स है ये दोनों है, एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी, यानी पानी में भी उग सकती है और ये जमीन पर भी उग सकती है, दोनों में। तो नोटन्स को याद रख लेना ये नोटी है, दोनों जगह पे उग सकती है। फ्लूटियंस को याद रख लेना कि ये एक्वेटिक है, ठीक। इसके बाद में ये हिंदी में ही है सारी चीजें जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई हैं, तो ये आप आसानी से ऐसे ही पढ़ ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ेंगे कि जो ट्यूबर्स हैं रिशिया के, वो ट्यूबर्स जो हैं ये पेरेंटिंग ऑर्गन होते हैं, यानी चिरस्थाई अंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर वो कैसे होता है, ट्यूबर्स से होता है, है ना। सेक्स ऑर्गन्स की अगर बात करें रिशिया की, तो वो एक्रोपेटल सक्सेशन में डेवलप होते हैं। जो एंथ्राजॉइड होते हैं उसके वो इलोंगेटेड कर्व्ड और बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। जो स्पर्म होंगे वो कैसे होंगे, बाईफ्लैजिलेट होंगे, उनके ऊपर दो फ्लैजिला होंगे। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम फर्टिलिटी स्पोरोजेनस टिश्यूज की शो करते हैं। जो नर्स सेल होती हैं वो पाई जाती हैं स्पोरोगोनियम के अंदर, नर्स सेल, है ना। तो ये आपको याद रखनी है ये सारी चीजें, मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारे के सारे एमसीक्यूज देख के अच्छे से उनको एनालाइज करके तब आपके लिए नोट्स बनाए, तो आप लोगों को इसमें से एक भी चीज नहीं छोड़नी है। ये समझ लीजिए किसी भी चीज से एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सर्च करी है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करी है, तब जाके आपके नोट्स बनाए उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये लिंगुएट मल्टीसेल्युलर सिंगल सेल थिक मार्जिनल स्केल्स होते हैं, जो स्पोरोफाइट है उसमें केवल और केवल कैप्सूल होता है। तो ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होगा, जबकि जो इसका नेक्स्ट प्लांट है मर्चेंशिया, वहां पर क्या होता है, वहां पर कैप्सूल, सेटा और रूट, तीन चीजें मिलती हैं, है ना, कैप्सूल, सेटा और फुट, सॉरी फुट, कैप्सूल और सेटा, तीन चीजें मिलती हैं, जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो कैप्सूल है वो कभी भी रेप्चर नहीं करता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम याद रखेंगे कि ये जो प्लांट है हमारा रिशिया, वो ट्यूबरकुलेट होता है, अनब्रांच्ड होता है, यानी ब्रांचेस होती ही नहीं है, इसकी शाखाएं होती ही नहीं है। यूनिसेल्युलर राइजोइड होते हैं इसके अंदर, तो वो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है कि राइजोइड जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होंगे, लेकिन जो दो ब्रांचेस हैं, एक आर फ्लूटेंस है और एक आर क्रिस्टेलिना है, इनमें राइजोइड और स्केल्स जो होते हैं वो एब्सेंट ही होते हैं, होते ही नहीं है, है ना। तो आपको याद रखना है आर फ्लूटेंस के अंदर और आर क्रिस्टेलिना के अंदर राइजोइड्स और स्केल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहां पर कि हमारे अभी आ गए हैं एमसीक्यूज। तो अगर आपने ऊपर मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं, अगर वो आप आसानी से पढ़ लेंगे, अगर आपने वो चीजें को अपने ध्यान के अंदर रख लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत आने ही नहीं वाली है, है ना। चलिए तो अपने क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा आज मैं यहाँ पे आपके ये बोल्ड को हटाना भूल गई हूँ, तो आप चाहे यहाँ से आसानी से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड ऑलरेडी हुआ ही रखा है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट, है ना, कि जो नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट है उनमें से कौन सा मेंबर है जो यहाँ पर दिया हुआ है वो, है ना। तो आपको पता ही है कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं सारे के सारे नॉन वास्कुलर ही होते हैं, और यहाँ पर ब्रायोफाइट कौन सा है, रिशिया है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट का प्लांट ही पढ़ रहे हैं ना। ब्रायोफाइट के जितने भी प्लांट है सारे नॉन वास्कुलर ही है ना, कोई भी प्लांट का नाम आ जाए आप सीधा उस पर टिक लगा दो। नेक्स्ट है जो नर्स सेल होती है वो पाई जाती है स्पोरोगोनियम ऑन विच ऑफ द ब्रायोफाइट प्लांट, तो आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि स्पोरोगोनियम के अंदर नर्स सेल पाई जाती है रिशिया के अंदर, है ना। जिससे मैं बता रही थी, मैंने सारे के सारे आपके नोट्स इस तरीके से बनाए कि आपका कोई भी एमसीक्यू रह ही ना पाए, है ना। नेक्स्ट है लिंगुलेट मल्टीसेल्युलर और सिंगल सेल थिक मार्जिनल स्केल्स जो है कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो रिशिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है जो रूडिमेंटरी स्केल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और या फिर स्केल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इन विच ऑफ द स्पीशीज ऑफ रिशिया, ठीक है। या तो रेडिमेंटरी स्केल होंगे यानी कि अल्पविकसित, रेडिमेंटरी को क्या बोलते हैं, अल्पविकसित, यानी जो अच्छे से विकसित नहीं हुए हैं, है ना, या तो अल्पविकसित होंगे या होंगे ही नहीं। तो किन स्पीशीज में होते हैं, हमने दोनों पढ़ी थी फ्लूटेंस और क्रिस्टेलिना, दोनों में ही नहीं होते हैं, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहां पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर्स टेक्स प्लेस इन विच स्पीशीज ऑफ रिशिया, यानी कि रिशिया के कौन सी स्पीशीज में जो रिप्रोडक्शन है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यानी जो अलैंगिक रिप्रोडक्शन है, वो ट्यूबर्स की हेल्प से होता है, तो किसके अंदर होता है, सबके अंदर होता है, क्योंकि रिशिया के जितने भी प्लांट हैं सब में जो रिप्रोडक्शन है वो ट्यूब, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो अलैंगिक जनन है, वो ट्यूबर्स की हेल्प से होता है, ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट है द पेरेंटिंग ऑर्गन ऑफ रिशिया इज, क्या होते हैं इसके पेरेंटिंग ऑर्गन, ट्यूबर्स होते हैं, ये भी हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है जो एंडोथीशियम या फिर आर्ची स्पोरियल टिश्यू होते हैं रिशिया के स्पोरोगोनियम में, वो क्या बनाते हैं, तो वो स्पोर और नर्व सेल बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट है सिक्स वर्टिकल रोज ऑफ जैकेट सेल आर फाउंड द आर्चिगोनियन नेक ऑफ, देखो ये हमने कल पढ़ लिया था कि जितने भी आर्चिगोनियट्स प्लांट होते हैं, है ना, जितने भी आर्चिगोनियट्स प्लांट होते हैं हर किसी के अंदर जैकेट सेल जो है उसके 6 रो पाई जाएंगे, है ना, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है ना। तो यानी ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, रिशिया के अंदर भी, एंथोसरोस के अंदर भी और मर्चेंशिया के अंदर भी, क्योंकि जितने भी आर्चिगोनियट्स प्लांट होते हैं सबके अंदर ये पाया ही जाता है, और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर तो पाया ही पाया जाता है, तीनों प्लांट ब्रायोफाइट कैटेगरी के ही है, इसीलिए तीनों के अंदर पाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन इन रिशिया आर डेवलप्ड इन विच सक्सेशन, तो ये एक्रोपेटल सक्सेशन में डेवलप होते हैं रिशिया के अंदर सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द स्पीशीज इन विच रोजेट हैबिट इज नॉट फाउंड, यानी जिसमें रोजेट हैबिट नहीं मिलती है, हमें उस स्पीशीज का नाम बताना है। तो आर फ्लूटेंस जो है इसके अंदर जो रोजेट हैबिट होती है वो नहीं मिलती है, बाकी जितने भी रिशिया की कैटेगरी के प्लांट है सबके अंदर मिलती ही मिलती है। नेक्स्ट है आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स आर सीन इन विच स्पीशीज ऑफ रिशिया, किसमें मिलता है ये आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट मिलता है रिशिया परसोनी के अंदर, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्पीशीज ऑफ रिसिया इन विच ईच रोजेट हैज फोर थैलाई, यानी एक रोजेट के अंदर चार थैलाई होंगे जो कि अरेंज रहते हैं क्रॉस शेप्ड मैनर में। तो किसके अंदर? क्रॉस शेप्ड मैनर में ये चार थैलाई रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्रूशिएटा बोलते हैं, है ना। क्रूशिएटा जो है वो क्रॉस से ही आया है निकल के, तो आपको याद रहेगा ये कि क्रॉस जो चार थैलाई है वो क्रॉस शेप्ड मैनर में किस में रहते हैं? क्रूशिएटा में, यानी रिशिया क्रूशिएटा में, है ना। इजी है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। अच्छा, आज के हमारे जो एमसीक्यूज थे वो रिशिया के सारे फिनिश हो गए। कल हम मर्चेंशिया के और एंथोसेरोस के करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे जो बीएससी के नोट्स हैं वो सारे नोट्स बन गए हैं। अगर इसी फॉर्म में है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में मिलेंगे। आपको अगर सिर्फ हिंदी में चाहिए वो भी मिल जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश में चाहिए वो भी मिल जाएंगे। और सिर्फ 99 ही इसका प्राइस रखा है, ज़्यादा हम रखा भी नहीं है। तो अगर आपको बीएससी के यूनिट फर्स्ट टू यूनिट एट्थ सारे के सारे नोट्स चाहिए विद एमसीक्यूज, है ना, तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीस में पूरा का पूरा बॉटनी के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर थ्योरी भी होगी। जिस तरह से मैंने आज बताई आपको, ऐसे स्टार्टिंग में थ्योरी दी होगी और उसके बाद में उसी से ही रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहेगा, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।